उर्दू दुनिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, भारत को एक और शिकस्त। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, दुनिया मान गई, मोदी सरकार के पैरों तले जमीन निकल गई। सोचा क्या और हो क्या गया? नरेंद्र मोदी बैठा सर पीटने लगा। अखंड भारत का ख्वाब चकनाचूर होने वाला है। लद्दाख छीनकर चीन ने भारत के पैरों तले जमीन पहले ही निकाल दी है, लेकिन शंघाई तावन तंजीम ने मोदी को ऐसा करारा थप्पड़ मारा जिसकी चीखें आज भारतीय बिकाऊ मीडिया पर सुनने को मिल रही हैं। शंघाई तावन तंजीम में मोदी को क्यों रुसवाई का सामना करना पड़ा और इसके अब क्या असरात मुरतब होने वाले हैं? वीडियो के आखिर में बताएंगे कि क्या वाकई कश्मीर से मुतल्लिक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है जो इस वक्त मोदी की टांगे कांप रही हैं। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। नाजरीन, भारत को पाकिस्तान का सियासी नक्शा हजम ना हुआ तो मरोड़ उठने लगे, लेकिन भारत का इतराज किसी काम ना आया। शंघाई तावन तंजीम के सिक्योरिटी एडवाइजर्स के इजलास में भारत को सबकी का सामना करना पड़ा। भारत का पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर एतराज मुस्तरद कर दिया गया। सिक्योरिटी एडवाइजर्स के इजलास में मशीर कौमी सलामती अजीत दोल ने पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर एतराज उठाया था। ऑनलाइन इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम इमरान खान के सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने की। मोईद यूसुफ ने इजलास के दौरान पसे मंजर में पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा लगाया रखा, जिस पर भारतीय मशीर कौमी सलामती अजीत दोल की तरफ से एतराज किया गया। मोईद यूसुफ ने रद्देअमल में कहा कि भारत की गैर संजीदगी का कोई हल नहीं, पाकिस्तान के नक्शे पर एससीओ में किसी ने एतराज नहीं किया, एससीओ इजलास में हमारा नक्शा सबको नजर आ रहा था। गुज़िश्ता अक्टूबर में भारत ने एक मुज़हका खीज नक्शा छापा था। भारत ने तो अपना नक्शा एससीओ इजलास में नहीं लगाया, हमारा नक्शा यूएन करारदादों के मुताबिक हमारे हक का आकाश है। अजीत दोल गलत तौर अंदाज में कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे रहे हैं। नया नक्शा पाकिस्तान के हक और कश्मीरियों के जज्बात की तर्जुमानी है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक ने कश्मीर से मुतलिक पाकिस्तानी मौकफ की हमायत कर दी। पाकिस्तान की हमायत बर्दाश्त ना हुई तो अजीत दोल इजलास से वॉकआउट कर गए। भारत की तरफ से एतराज उठाया गया कि शंघाई तावन तंजीम में पाकिस्तान की तरफ से जो नक्शा पेश किया गया इसमें दोनों ममालिक की सरहदों को गलत तौर पर दिखाया गया है। भारत ने मेजबान रूस से एतराज उठाया कि पाकिस्तान ने शंघाई तावन तंजीम के इजलास के असूलों की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन भारत को इस वक्त शर्मिंदगी उठाना पड़ी जब रूस ने भारत को ये कहकर टाल दिया कि इजलास के बाकी मेंबरान को पाकिस्तान के नए नक्शे पर कोई एतराज नहीं। नाजरीन, भारत ने पाकिस्तान के शंघाई तावन तंजीम के इजलास में दिखाए गए नक्शे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। अब भारत की वैल्यू टगे टोकरी हो चुकी है, कोई भारत की नहीं सुनता। पाकिस्तान ने 4 अगस्त को एक नया नक्शा जारी किया जिसमें जम्मू कश्मीर की हसूसी हैसियत को ख़त्म करने की पहली बरसी के मौके पर भारत के मरकजी जम्मू कश्मीर और लद्दाख और रियासत गुजरात के कुछ हिस्सों का दावा किया गया था। भारत ने जल भुनकर पाकिस्तान के नए नक्शे को किसी कानूनी जवाब के बगैर इसे सियासी बेहूदगी की मश्क करार देकर रद्द अमल जाहिर किया था। सियासी नक्शा पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक इजलास के दौरान जारी किया था जिसमें इनकी काबीना और कौमी सलामती के अमूर में इनके मामने खसूसी मोईद यूसुफ समेत आला अहदेदार शरीक थे। खान ने कहा था कि नक्शा कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के हसूल के लिए सियासी जदोजहद की तरफ पहला कदम है। शंघाई तावन तंजीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मोईद यूसुफ ने कहा कि उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि जम्मू कश्मीर के बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके में यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम इलाकाई अमन खुशहाली के लिए खतरा है। शंघाई तावन तंजीम के बजरिया वीडियो लिंक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स इजलास में भारत को इस वक्त शिकस्त और सुतकी का सामना करना पड़ा जब इजलास के शुरका ने भारतीय नुमाइंदे अजीत दोल का एतराज मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान की पोजीशन से इत्तफाक किया। अजीत दोल ने इजलास में डॉक्टर मोईद यूसुफ के बैकग्राउंड में पाकिस्तान के नक्शे पर एतराज करते हुए कहा कि नक्शे में भारतीय इलाके शामिल हैं। इस पर पाकिस्तान ने भारतीय दावे को झूठा करार देकर मुस्तरद कर दिया। इजलास को बताया गया कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है,
आलमी कानून के मुताबिक भारत को जम्मू कश्मीर को अपना इलाका करार देने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इकदामात यूएन चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इकदामात यूएन करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर के अक्वामे मुताहिदा की निगरानी में आजादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के मौकफ पर कायम है। शंघाई तावन तंजीम ने पाकिस्तान की पोजीशन से इत्तफाक करते हुए भारत पर बिजलियां गिरा दी। मुआवन खसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर अपना मौकफ बरकरार रखा। पाकिस्तान का मौकफ न सिर्फ शंघाई तावन तंजीम ने कबूल किया बल्कि पजीराई भी की। बाद अजा भारतीय कौमी सलामती मशीर अजीत दियोल इजलास से उठकर चले गए और इनकी नशिस्त खाली रही। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खसूसी बराए कौमी सलामती डिवीजन डॉक्टर मोईद यूसुफ ने तस्दीक की कि भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत दियोल ने पाकिस्तान और मेज़बानी रूस की तकरीर का बायकॉट किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने 3 दिन कबल रूस को शिकायत की थी कि पाकिस्तान के नुमाइंदे की जानिब से खिताब होगा तो इसमें नया नक्शा नहीं नजर आना चाहिए। हमने इस पर जवाब दिया जिसकी रूस समेत तमाम ममालिक ने तायीद की। नाजरीन शंघाई तावन तंजीम में पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है। भारत को बैल कौमी सतह पर एक ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है जिस पर 70 सालों से भारत डटा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान और चीन की कामयाब खारजा पॉलिसी ने भारत को बिल्कुल तनहा कर दिया है। अजीत दियोल का पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर एतराज मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत समेत दुनिया में ये बावर करा दिया कि नया सियासी नक्शा पाकिस्तान के हकूक और कश्मीरी अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे को मुस्तरद करने पर अजीत दियोल को हतक अमे सुबकी उठाना पड़ी। आलमी बरादरी ने भी भारतीय तराज को मुस्तरद करार दिया। यहाँ ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, लेकिन शंघाई तावन तंजीम मतलब आर्मी फोरम पर पाकिस्तान के इस नए नक्शे पर कोई एतराज ना उठाना भारत के लिए बहुत बड़ी शिकस्त और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है, जिससे ये बात वाजिया होती है कि कश्मीर इशू पर आर्मी बरादरी अब पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।